हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2, ठीक है। इसे पढ़ना है आभास गुणनखंड के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। पहला क्वेश्चन है 140 का आभास गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो हम 140 क्या निकालेंगे, आभास गुणनखंड कैसे, तो देख लीजिए। एक एलसीएम टाइप से होता है, ठीक है। आप 2 से पहले लगेंगे 2 से, क्योंकि 0 है, 2 का पार हमें आता है, इसलिए 14। फिर 2 से लगेगा, फिर 5 से, फिर 7 से, हो गया, मतलब पूरा कट हो गया। अब क्या लिखेंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड बराबर। दोस्तों मैं इधर नहीं लिख सकता हूँ कि आगे सवाल भी है, तो इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कितना 140 का कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 7, अर्थात 2² × 5 × 7 आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5005 को हल करना है। क्या करेंगे, पहले 5 है, क्योंकि पहले से क्या है पर 5 है, इसलिए 5 से भाग करूंगा। 5 × 5 = 0 अब क्या 3 से लगेगा या नहीं, इसे देखना है, ठीक है। तो ये जोड़ने के बाद 3 से तो लगेगा नहीं, ठीक है, इसलिए क्या से लगाऊंगा, 7 से लगा देखता हूँ, 7 से, ठीक है। 7 × 7 3 × 7 = 28 मतलब 7 से कट गया, ठीक है। अब किससे, अब 8 से तो लगाना नहीं है क्योंकि 3 है, तो लगभग 11 से लग जाएगा, 11 × 11 = 33 दोस्तों, इस ढंग से कट गया, ठीक है, इससे आगे भाग नहीं लगेगा। अब क्या लिखेंगे, 5005 का अभाज्य गुणनखंड खंड बराबर। दोस्तों फिर मैं इधर नहीं लिख पा रहा हूँ, सवाल बनाना है, नीचे लिख दूंगा, ठीक है। क्या लिखूंगा, 5 × 0 = 11 × 13, ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। आप लोग नीचे सामने की ओर लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इधर सवाल है इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगला है 3825 का, फिर 2 से भाग, सॉरी ये कितना है, 5 है, तो क्या इस, ये तो 3 से लगेगा कि नहीं चेक करना होगा, तो जोड़ लीजिए, 7 × 5 = 18 लग जाएगा 3 से, ठीक है। मतलब इस पूरे संख्या का योग अगर 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से कटेगा, डिविजिबल है, ठीक है। 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 3, 6 = 15। फिर देखते हैं 3 से कटेगा, 3 × 4 = 12, 3 × 9 ही कटेगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो 7 × 11 नहीं कटेगा। तो 5 × 5 = 40, 50 = 25, 5 से काटेंगे 17, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 × 3 × 5 × 5 × 17, अर्थात 3² × 5² × 17, ये दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों मैंने एक ये सवाल छोड़ दिया और एक सेकेंड वाला छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये 2 सवाल आप बना करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, उसका आंसर क्या हो रहा है, ठीक है दोस्तों, क्या आ रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। थोड़ा भी कहीं से वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इस चैनल से देखने से हमको मैथ समझ में आ जाएगा, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। और ये एक एक करके पूरे दोस्तों इसको देख लेते हैं, शाम को 7 × 4 = 9 को कैसे लाएंगे। देखो दोस्तों ये 3 से नहीं कटेगा, 11 × 15 = 22, 22 नहीं आता, 12 में 3 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटने वाले हैं, 3 × 7 से कटता नहीं है, ठीक है। तो 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 11 से काटने के लिए हमको जोड़ना पड़ता है, मतलब एक छोटे सम विषम में 13 और 9 तो नहीं आया, 0 नहीं कटेगा। तो 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से काटेंगे, क्योंकि 17 के बराबर ही 9 आता है, ठीक है। यहाँ पर 17 के तो 17 × 68, 17 × 57, 17 × 7 = 119। उसके बाद अब 17 के बाद क्या होगा, 11 से कटेगा नहीं, तो 19 से काट के देखते, 19 × 19 = 38, 19 × 3 = 27, 23, मतलब लिखना होगा अब कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड, गुणन अभाज्य गुणनखंड खंड बराबर क्या, 17 × 19 × 23, ठीक है दोस्तों। उससे जगह नहीं था उधर और शायद कैमरा भी नहीं आ पाएगा, मैं अकेले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कहीं दिक्कत होगा, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर सुनाई दिया तो कॉपी नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। थोड़ा भी आपको लगे कि चैनल से मतलब इस चैनल को देखकर हमें कुछ सीख मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो आप लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों।